सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे अपर लिम को, हम लोग पढ़ेंगे एक्जिला। सो एक्जिला है हमारा आर्मपिट ही होता है, उसको बस एनाटॉमी में हम लोग एक्जिला बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं दिखाऊँ तो ये चीज़ जो है ना, ये पोर्शन, ये हमारा एक्जिला कहला जाएगा। ये पिरामिड शेप का होगा और उसके बाद ये होगा कहाँ पर, बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड थोरेक्स में। ठीक है, मतलब कि ये आर्म है अपना, ठीक है, इसके अपर पार्ट पर और थोरेक्स के बीच में होगा। ठीक है, ये पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है। अब इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो बाउंड्रीज़ में क्या क्या है कि इसका एंटीरियर वॉल, देखो बाउंड्रीज़ मतलब एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टेरियर मतलब पीछे, मीडियल मतलब जो टुवर्ड्स दिस हो, मतलब इधर साइड वाला पोर्शन, मतलब इस वाला पोर्शन की बात कर रहे होंगे, और लेटरल मतलब इस वाले पोर्शन की बात करेंगे जो दूर है, एंटीरियर मतलब जो आगे से दिखे, पोस्टेरियर मतलब जो पीछे हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर अब इसके बारे में देखें तो एंटीरियर वॉल इसका बना होता है पेक्टोरिस मेजर का, सब क्लेवियस का, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का और पेक्टोरिस माइनर का। तो ये वाला मसल कौन सा है हमारा, पेक्टोरिस मेजर। तो ऑब्वियसली आगे से देखने पे एक्जिला के आगे क्या आ रहा है, पेक्टोरिस मेजर आ रहा है, राइट। अगर इसको हटाएंगे तो क्या हमें दिखेगा, पेक्टोरिस माइनर मसल दिखेगी। तो हमारा आगे हमें पेक्टोरिस माइनर भी आ रहा है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था पेक्टोरिस मेजर और माइनर के बीच में क्लेवी पेक्टोरल फेशिया आती है, तो उधर में मतलब कि पेक्टोरिस माइनर को जो इनक्लोज भी कर रही होती है, तो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया भी आपको दिखेगा। और सब क्लेवियस मसल कौन सी होगी, देखो अच्छे से दिखा दो, क्लेविकल के नीचे ये वाली मसल दिख रही है आपको, क्लेविकल है, उसके नीचे जस्ट ये वाली मसल है सब क्लेवियस मसल, मतलब क्लेविकल के नीचे सब क्लेवियस। ठीक है, तो ये सारी मसल्स आपके क्या आ जाएंगी, ये एक्जिला के आगे आ जाएंगे, एंटीरियर वॉल बनाएंगे। अब पोस्टीरियर वॉल पीछे क्या क्या मसल आएंगे, तो पीछे मसल आएगी कौन कौन से देख लो। तो पीछे मसल आएगी अपनी लैटिसमस डोर्साई मसल, ठीक है, ये दिख रहा है बड़ा सा लैटिसमस डोर्साई है, पीछे ऐसा दिख रहा है लेकिन आगे यहाँ तक जा रहा है, राइट, ये लैटिसमस डोर्साई मसल आएगी। फिर और कौन सी मसल आएगी, तो टीरिस मेजर माइनर मसल आएगी, तो ये तो नहीं आएगा टीरिस मेजर, ये देख रहे हो ये टीरिस मेजर आएगी, तो ये भी एक्जिला के पीछे ही जस्ट आ रहा है, तो ये टीरिस मेजर मसल आएगी। और अब आएगा कौन सा, सब स्कैपुलरिस। तो सब स्कैपुलरिस दिखाने के लिए मुझे इसमें से कुछ कुछ मसल्स हटानी पड़ेगी, जो मैं से माइनर हटा देती हूँ। ये कौन सी मसल है, सेरेटस एंटीरियर, ये हटा देती हूँ। तो ये वाली जो मसल आपको दिख रही है ये अपनी कौन सी है, सब स्कैपुलरिस, ठीक है, स्कैपुला में होती है ये मसल, स्कैपुला के एंटीरियर वाले पार्ट में। लेकिन ये एक्जिला के तो पीछे में है ना, एक्जिला ये वाले पोर्शन था, इसके पीछे ही है ना ये सब स्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस के पीछे आएगी, हल्की सी ये वाली मसल भी दिख रही है तो आपकी टीरिस मेजर मसल भी दिखेगी, और लैटिसमस डोर्साई का ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है तो लैटिसमस डोर्साई मसल भी आपको इस पर दिखेगी। तो ये इसका क्या बनाएगा, पोस्टीरियर वॉल पीछे साइड, देखो इसको विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रटने का अभी आपको लगेगा कि रटने की चीज़ें तो रट लेंगे, लेकिन इतनी सारी टर्म्स, इतनी सारी जगह पे ये सब चीज़ें आएंगी ना कि आप सबको नहीं रट सकते, इसलिए प्लीज़ समझो, विजुअलाइज करो जितना हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ मीडियल वॉल। तो इसका मीडियल वॉल जो है, इसका मीडियल वॉल बनाता है कौन, सेरेटस एंटीरियर मसल का, सेरेटस एंटीरियर मसल बनाते हैं। तो अभी मैंने तो इसको ये कर दिया था, मैं इसको वापस लेके आऊँ, तो ये मीडियल ही साइड में देखो, ये अगर मैं एक्जिला दिखाई तो इसके मीडियल साइड में ये वाली मसल तो आ रही है। अब ये वाली मसल को मैं अच्छे से दिखाऊँ कि कौन सी मसल है, तो ये वाली मसल अपनी सेरेटस एंटीरियर, इसको हटा के दिखाओ तो अच्छे से दिखेगा ये वाली मसल कौन सी है, सेरेटस एंटीरियर, समझ में आ गया। उसके बाद अब इसके लेटरल वॉल जो है ना, लेटरल वॉल इधर में बहुत ज़्यादा नैरो होती है, लेटरल वॉल ये वाली लेटरल वॉल होगी ना, बहुत ज़्यादा नैरो होती है, और ये होती है हमारी ह्यूमरस में, ये वाली कौन सी बोन है, इधर ह्यूमरस बोन है, उसका कौन सा इंटर ट्यूबुलर सल्कस में बाइसिपिटल ग्रुप, वो वाला जहाँ पे होता है कोरेको ब्रैकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। अब ये दिखाती हूँ मैं कि ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये एक्चुअली में ये कौन सी मसल है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। तो ये बाइसेप्स ब्रेकाई आपको दिख गया, इसका दो हेड होता है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड, तो इसके शॉर्ट हेड आपको लेटरल वॉल के क्लोज में मिलेगा, क्योंकि ये वाला इसका शॉर्ट हेड है, इधर वाला लॉन्ग हेड है, ठीक है। अब रही बात की कंटेंस और कोरेको ब्रेकियलिस मसल भी, इधर ये वाले अपनी कोरेको ब्रेकियलिस मसल, तो कोरेको ब्रेकियलिस और बाइसेप्स ब्रेकाई भी आपको लेटरल साइड में दिख रहा है ना, तो ये सारे मसल्स आपके लेटरल साइड में थे, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम लोग एपेक्स की बात करें, उससे पहले ये डायग्राम समझो, ये बीडीसी का डायग्राम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें देखो ये एक्जिला को यहाँ पे पिरामिड जैसा दिखाया है, राइट, तो पिरामिड जैसा दिखाया, इसमें ये दिखाया कि पिरामिड क्यों बोल रहे हैं, ट्रायंगल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसका एक एपेक्स होगा, एक छोटा सा ऐसा एपेक्स होगा, और ये एपेक्स ध्यान दो तो ये ट्रंकेटेड है, ये अपना ट्रायंगुलर नहीं है, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे है, राइट, ऐसे नहीं है, तो इसको ट्रंकेटेड बोलते हैं, ट्राइंगुलर नहीं है, ये एपेक्स ऑफ एक्जिला है, जिसको हम लोग सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि कैनाल है ना जहाँ से वो एक्जिला में घुस रहा है, तो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका
ये अपना आगे वाला पोर्शन है तो ये एंटीरियर वाला हो जाएगा, इसी के पीछे वाला पोर्शन अपना पोस्टीरियर वाला हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा मीडियल साइड में है तो मीडियल वॉल हो जाएगी, ये वाला जो नैरो वाला पोर्शन दिख रहा है जो ब्राउन कलर का है वो हमारा लेटरल वॉल हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन जो हम नीचे से देखेंगे तो हमारा बेस ऑफ द एक्सिला हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़? और यही चीज़ को यहाँ पे ओपन करके दिखाया है कि ये एंटीरियर वॉल यहाँ पे ऐसे था, इसको ऐसे करके ओपन कर दिया तो ये एंटीरियर वॉल ओपन, बाकी ये अपनी छोटी पतली सी लेटरल वॉल है, उसके इधर वाली मीडियल है, ऊपर वाली एपेक्स है और नीचे वाली बेस है, और पीछे वाली हमारी पोस्टीरियर वॉल है। ठीक है, यही चीज़ बताया। अब देखो, अब हम लोगों को यही चीज़ को यहाँ पे इमेजिन करना है कि ये पूरा एक्सिला ना इमेजिनेशन का खेल है, इसलिए समझ लो। तो एपेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, ये होता है ट्रायंगुलर, मतलब एक तरह से ट्रंकेटेड, और होता है कहाँ पे? टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक, जहाँ पे नेक हमारा रूट है, जहाँ नेक का रूट है वहाँ पे ये होता है। ये एंटीरियरली, इसके आगे होगी क्लेविकल, मीडियल होगी फर्स्टरी, पोस्टीरियरली होगी स्कैपुला। कैसे पता चलेगा ये चीज़? इसको इमेजिन करने का कोशिश करो। ये जैसे मान लो ये एपेक्स ऑफ द एक्सिला है, जहाँ पे ये आगे साइड में कौन सी बोन आ रही है? ये अपनी क्लेविकल आ रही है। ठीक है, इधर साइड में कौन से बोन आ रही है? स्कैपुला आ रही है। और इधर साइड में कौन सी बोन आ रही है? तो मतलब कि फर्स्ट रिब आ रही है। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ऐसे ऊपर करके देखें तो यहाँ पे तो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा कुछ ऐसा एपेक्स आएगा जिसमें आगे साइड में क्लेविकल है, इधर साइड में रिब है ना, मतलब फर्स्ट रिब ऐसे थोड़ा सा लंबा मान लो, और इधर साइड में कौन सी बोन है? स्कैपुला बोन है। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो देखो, सच में अगर मैं इसको ऐसे हटाऊँ, इसको भी हटा देती हूँ, तो ये वाली कौन सी बोन है? अपनी स्कैपुला बोन है, मैंने अभी जस्ट बताया। तो ये हमारा इसका क्या बना देगा? एपेक्स बना देगा। इतना समझ में आ गया। इसके अलावा एंटेरली में अगर सिर्फ क्लेविकल नहीं, उसका पोस्टीरियर बॉर्डर, क्योंकि क्लेविकल का पीछे वाला साइड इसका आगे वाला हिस्सा बना रहा है, राइट। मीडियल में फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर, ये आउटर वाला साइड इसका हम बना रहा है, और पोस्टीरियरली में अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो अगर वापस से अच्छे से बताया तो ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, इसका आउटर सरफेस, और ये इसका क्या आ जाएगा? अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। इस तरह से इसका क्या बन रहा है? एपेक्स बन रहा है ना। समझ में आ गया। बेस जो है नीचे से देखोगे तो नीचे से तुमको बस एक स्किन वगैरह दिखेगी और एक्सिलरी फेशिया दिखेगी, तो यही सब है। ठीक है, अब कंटेंट्स में देखो कि इसका इसमें होता क्या क्या चीज़ें है। तो ऑब्वियसली एक्सिला है, तो एक्सिला के अंदर एक्सिलरी आर्टरी होगी, उसकी ब्रांचेस होगी, एक्सिलरी वेन होगी उसकी। देखो, आर्टरी की ब्रांचेस होती है, ठीक है, वेन्स की ट्रिब्यूटरीज होती है, क्योंकि वेन्स में चीज़ें आके जुड़ती है, आर्टरी से चीज़ें निकल रही होती है, मतलब कि वो सप्लाई कर रहा है ना, आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो वो चीज़ों को मतलब ब्लड को बांटेगा, तो उसको ब्रांचेस चाहिए, लेकिन वेन चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है, ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, तो उसको ट्रिब्यूटरीज चाहिए, जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स आकर के एक मेन वेन में जुड़ेंगी, तो इसलिए इसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस, ये नर्व का प्लेक्सस है जो अपर लिम को सप्लाई करता है, इसको हम लोग अलग से स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें ये भी दिखेगा तुमको, क्योंकि यहीं से तो वो होते हुए अपर लिम में जाएगा, राइट। उसका लिम्फ नोड्स है, ठीक है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, ये कुछ लिम्फेटिक्स भी तो होंगे यहाँ पे, और फिर ऑब्वियसली फैट वगैरह होगा, तो फाइब्रो फैटी टिश्यूज़ हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा नर्व्स की बात करें ब्रेकियल प्लेक्सस के अलावा, तो यहाँ पे आएगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व और इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, ठीक है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व और इंटरकोस्टो ब्रेकियल, तो नाम है समझ लो, ब्रेकियल प्लेक्सस वाला ब्रेकियल, कोस्टो मतलब रीब, इंटरकोस्टो, इस तरह से करके याद कर सकते हो। और एक मैंने मेमोरी ग्लैंड में पढ़ाया था टेल ऑफ स्पेंस करके, कि मेमोरी ग्लैंड का जो एक अपर वाला क्वाड्रेंट होता है उसकी हल्की सी एक्सटेंशन जो है वो एक्सिला में जा रही होती है, इसको हम लोग एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं, तो वो भी इसमें एक्सिला में ही जा रही है ना, तो वो भी एक्सिला में ही दिखेगा। अब अगर इसके अप्लाइड की बात कर ले, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आप एक्स्ट्रा में अप्लाइड एनाटॉमी लिखते हो ना, तो आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसलिए उसको बस इतना ही याद कर लो, इतना ही पता होना चाहिए जितना आप लिख सको। तो अब सबसे पहले है एक्सिलरी एब्सेस, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वगैरह में, तो ये चीज़ हमारा वहाँ पे एब्सेस क्रिएट कर देता है। इसको ड्रेन करने के लिए हमें इंसीजन मतलब कि कट लगाना पड़ता है एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्स के बीच में। एंटीरियर मतलब आगे से अगर जो एक्सिलरी फोल दिख रहा है, पीछे से जो एक्सिलरी फोल दिख रहा है, उसके बीच में हमें कट लगाना पड़ेगा। लिम्फेडेनोपैथी मतलब क्या होगा कि जो लिम्फ नोड्स हो जाएंगे वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। और बॉयल्स का मतलब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सिला में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो उसकी इन्फेक्शन हो गई, सीबेसियस ग्लैंड्स वगैरह इन्फेक्ट होंगे, तो ये हमारा बॉयल्स कॉज करेगा। तो ये सब चीज़ था हमारे एक्सिला के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में।